हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फास्ट एपीआई पाइथन वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने फास्ट एपीआई वाले प्रोजेक्ट को डिफरेंट कोर्स पे रन कर सकते हैं। एज यूजुअल अगर हम अगर देखते हैं कि जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अपना फास्ट एपीआई का जो भी एक वीडियो है, बेसिकली कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसको ओपन करता हूँ मैं वीएस कोड के अंदर। तो सो मोशन ओपन विथ कोड करके मैं इसको ओपन करता हूँ वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना जो टर्मिनल है उसको ओपन करूँगा और इसको क्लियर करूँगा। ठीक है, क्लियर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यार कि आपको पता है मैंने यूबीकॉन से आपको कैसे प्रोजेक्ट रन करना है, मैंने वो आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूबीकॉन मेन, जो अपना फाइल का नाम है कॉलन ऐप, जो मैंने जिस नाम से अपना इंस्टेंट क्रिएट करा है। और ये लिखने के बाद हाइफन हाइफन रिलोड मैं लिखता था ताकि अपने प्रोजेक्ट को मैं बार बार रिलोड ना करूँ, वो जो भी मैं चेंजेस करूँ वो अपने आप रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे 8000 पोर्ट पे क्या अपना प्रोजेक्ट रन होता है। बाई डिफॉल्ट अपना जो ये वाला प्रोजेक्ट है वो 8000 पोर्ट पे रन होता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ और आपको दिखाऊँ तो ये अपने 8000 पोर्ट पे ओपन है। और फिर मैं यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर यूज ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखो पाइथन डॉट ई एक्सी जो है वो कहाँ पे 8000 पे रन कर रहा है। मतलब ये वही वाला अपने फास्ट एपीआई वाला प्रोग्राम है जो कि 8000 पोर्ट पे रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेरे को दिखाऊँ तो अपना प्रोजेक्ट जो है वो 8000 पे रन करा जाता है। लेकिन मान लो कि जो मैं 8000 पोर्ट पे कोई और प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, कोई दूसरा प्रोजेक्ट मानो रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट 8000 पे रन कर रहा है, तो मैं इसको कैसे दूसरे पोर्ट पे रन कर सकता हूँ वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, आप लोगों को सिंपली लिखना है यूबीकॉन और आप लोग जो मेन कॉलन ऐप लिखते हैं वो तो आपको लिखना ही है, पर जहां पे आप लोग हाइफन हाइफन रिलोड लिखते थे आप लोग को लिखना है हाइफन हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू, मान लो मैं 1000 पोर्ट पे रन करना चाहता हूँ तो मैं 1000 लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब अपना जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग अगर मैं आपको दिखाऊं तो 8000 पे बंद होके 1000 पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 8000 पे बंद होके 1000 पे स्टार्ट हो गया है। और अपना वीएस कोड है उसको ओपन करके अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो वो 1000 पे स्टार्ट हो गया है। बट अब इसमें क्या है कि ये रिलोड नहीं होगा। अब आप लोग जब यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे ना, मान लो होम डॉट एचटीएमएल पे जाता हूँ और होम पेज मेड बाय त्रिवंश शर्मा, तो ये क्या होगा, ये अब रिलोड नहीं करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे वैसे कि मतलब मैं रिलोड कर रहा हूँ तब ये हो रहा है, मतलब मैंने जब रिलोड बटन किया तब यहाँ पे आया, बट ये खुद से रिलोड नहीं किया। मतलब मान लो मैं पे लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, कुछ साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये खुद जो है वो रिलोड नहीं करा है, ये यहाँ पे खुद रिलोड नहीं करा है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद से रिलोड करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे हाइफन हाइफन रिलोड लगाऊंगा, मैं काम करता हूँ इसको मैं बंद करता हूँ, सर्वर मैंने भी बंद किया है, और ये करने के बाद मैं हाइफन हाइफन रिलोड लगा देता हूँ। और सिंपली मैं एंटर करता हूँ तो अब क्या होगा, अब ये जो भी मैं चेंजेस करूंगा, मान लो हाइफन हाइफन मैंने लगाया है और यहाँ पे कुछ सिंबल और लगा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये उसको रिलोड खुद करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ये उसको रिलोड खुद करेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने चेंजेस करा है वो यहाँ पे खुद रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप लोगों को यहाँ पे वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लोग बेसिकली अपने जो भी आप लोग पोर्ट चाहते हो आप लोग यहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हो, बेसिकली हाइफन हाइफन पोर्ट करके। मैं आपको फिर से बार करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे यूवी कौन आपको लिखना है, आपका जो फाइल नेम है कॉलन करके आपने जिस नाम से जिसे बनाया है, और हाइफन हाइफन पोर्ट इज इक्वल टू, मान लो मैं 3000 पे स्टार्ट करना चाहता हूँ या 30 पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ पे 30 पे स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो अपना अब जो पाइथन डॉट ई एक्स है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, 30 पे। ठीक है, तो आज के लिए यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बाकी जो अपना चैनल कोड भी 6203 पे फर्स्ट का कोर्सेज को आप लोग फॉलो कर लेना, सारी देखना ताकि आपको समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।